खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बजट सत्र के उपरांत निर्माणाधीन दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने रनवे ट्रैफिक कंट्रोल टावर और टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। साथ ही निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों से चर्चा कर कहा कि रनवे का काम करीब एक हफ्ते और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और टर्मिनल भवन का काम लगभग 15 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। साथ ही 31 मार्च तक दरिमा एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट उतारने की संभावना है। इसके बाद डीजीसीए से उड़ान को लेकर लाइसेंसिंग प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकेगा, ताकि जल्द से जल्द हवाई सेवा शुरू हो सके। इसमें लगभग जो सील कोट वगैरह का दिख रहा है, दो पट्टी बची है। बताया गया कि दो दिन में एक पट्टी पूरी हो जाती है, तो दो पट्टी बची हैं, तो उस हिसाब से चार दिन का काम, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का काम। तो एक हफ्ते में ये सील कोट तो पूरे हो जाएंगे। बाकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, वो दिख रहा है कि काम चल रहा है, ऊपर की ढलाई हो रही है, ये भी ढलाई हो जानी चाहिए। टर्मिनल का काम है, चल रहा है।